निवाड़ी के संतोष बागड़े ने 9 जुलाई 2022 को मनसे तालुका प्रमुख अनिल पारखी को बेंगलुरु से लापता होने की सूचना दी। मनसे तालुका प्रमुख अनिल पारखी थाने पहुंचे और वाड़ी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वाड़ी पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है। लापता युवक वाड़ी का रहने वाला संतोष बागड़े है और उसकी पत्नी कविता संतोष बागड़े ने 17 जुलाई को मनसे की तरफ जानकारी दर्ज कराई थी। थाने में शिकायत की गई तो वाड़ी थाने के ड्यूटी मिसिंग चीफ दिनेश दांडुलकर ने जांच शुरू की और उनके प्रयासों से 29 जुलाई 2022 को संतोष बागड़े सकुशल घर आ गए। मनसे तालुका अध्यक्ष अनिल पारखी और मनसे तालुका के आयोजक दीपक ठाकरे ने वाड़ी पुलिस स्टेशन के प्रमुख दिनेश तांडुलकर के प्रयासों के कारण संतोष बागड़े की वापसी के लिए हेड कांस्टेबल दिनेश तांडुलकर को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। मनसे के राज्य महासचिव हेमंत गडकरी, जिला अध्यक्ष सतीश कोहले के मार्गदर्शन में तालुका प्रमुख अनिल पारखी, संगठक दीपक ठाकरे, सूरज भलवी, विढोबा घुर्डे, बबलू सिंह और मनसे के अन्य कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद थे। अशा परिस्थितीमध्ये पोलीस स्टेशन जे काम आहे ते खूप चांगलं काम आहे आणि अशाच प्रकारचं काम पुढे भी राहावं आणि हरवलेले व्यक्ती तांदूळकर साहेब पाहतीलच। माझा मुलगा हरवला होता, माझ्या मुलाला आणून दिलं, त्याच्याबद्दल मी साहेबाचा धन्यवाद करते। वाडी से NBCN न्यूज के लिए सौरभ पाटील की रिपोर्ट।